या निशिकांत दुबे जी, मैंने कहा कि एक भी पाकिस्तानी और एक भी बांग्लादेशी अगर हमारे क्षेत्र में है तो आप बताइए, ये मिनी पाकिस्तान यही लोग का देन है। हमने कहा कि भाजपा के लोग बोलते हैं मिनी पाकिस्तान, महागवा को बोलते हैं, मधुपुर को बोलते हैं, पाकुड़ को बोलते हैं, साहिबगंज, ये बोली मैंने बोला क्रॉप करके चला दिया, आला कमान तक पहुंचा दिया, बताइए। और कांग्रेस के नेता ही पहुंचा दिया वहां। मैं कहना चाहता हूं सत्य, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, पार्टी के लिए काम करता हूं, पार्टी कैसे मजबूत हो, अपने वोट को कैसे संरक्षित करे, ये काम विपक्ष सही कर रहा है। भाजपा इस देश में मजहबी जुनून फैलाकर 2024 का चुनाव जीतना चाहता है। अब देश में जाति, धर्म और मजहब की बात नहीं चलेगी, देश की जनता विकास और रोजगार चाहती है। ये बातें झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर राज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से कही है। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा की हेकड़ी निकाल दी है और बता दिया है कि अब देश में नफरत की बात नहीं चलेगी, यहाँ की बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, अब जनता होशियार हो चुकी है, भाजपा जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। गुड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उसने गुड्डा लोकसभा को चारगाह बना दिया, लूट का अड्डा बना दिया, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, युवाओं को बदलाते हैं, वो विकास क्या होता है उनको जानकारी नहीं। बाबा भोलेनाथ के दरबार में झूठे लोगों का कोई स्थान नहीं, जितना आशीर्वाद मिलना चाहिए था इनको मिल चुका है। और इस बार बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इरफान अंसारी के साथ, किसी भी बाहरी आदमी के साथ बाबा इंसाफ करेंगे, खतियानी लोगों को इस बार मौका मिलेगा। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं निशिकांत जी, आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बोलकर इन्होंने झारखंड को अपमानित करने का काम किया। पाकुड़, साहिबगंज, महागमा, मधुपुर, जामताड़ा, यहाँ इनको बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं, यहाँ इनको पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ निशिकांत दुबे जी को, बताइए एक भी बांग्लादेशी कहाँ है हमारे यहाँ, बताइए। अगर नहीं मिला तो मैं निशिकांत दुबे पर एफआईआर करूँगा, यहाँ के माहौल को गंदा और खराब करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा ये लोग धर्म पर आड़ में, धर्म के आड़ पर राजनीति करेंगे और समाज को बदनाम करेंगे। बता दें कि इरफान के बयान पर हुए बवाल पर बीजेपी के रांची सांसद संजय सेठ ने कहा था कि बांग्लादेशी और पाकिस्तान के लोगों से झारखंड को भरा जा रहा है ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को वोट मिल सके। देवघर से विजय सिन्हा की रिपोर्ट।